वाराणसी में पंजाब नेशनल बैंक के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर 12 अप्रैल शुक्रवार को वाराणसी में बैंक द्वारा एक नवीन एटीएम का शुभारंभ हुआ। एटीएम शिवपुर के गीलट बाजार स्थित लक्ष्मणपुर मोहल्ले में स्थित है, जिसे शाखा शिवपुर से संबद्ध किया गया है। उक्त उद्घाटन के अवसर पर वाराणसी अंचल के अंचल प्रबंधक अजय कुमार सिंह, वाराणसी मंडल प्रमुख राजेश कुमार तथा अन्य गणमान्य अधिकारी तथा आम नागरिक उपस्थित रहे। मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक वाराणसी, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे अंचल प्रमुख प्रबंधक महोदय द्वारा आज शिवपुर शाखा के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान पर एक एटीएम का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है और आज 130वीं वर्षगांठ मना रहा है पंजाब नेशनल बैंक। और सभी के लिए हर्ष का विषय है कि पंजाब नेशनल बैंक हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और अपनी देशी पूंजी से स्थापित ये बैंक आज देशी लोगों के लिए, देशी लोगों द्वारा 130वीं वर्षगांठ पूरा कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अंचल प्रबंधक वाराणसी पंजाब नेशनल बैंक, आज शिवपुर शाखा का एटीएम या आज शिवपुर शाखा के एटीएम का उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज हम बैंक की 130वीं वर्षगांठ है और 130 साल के गौरवशाली इतिहास में मैं सभी कस्टमर का, सभी स्टाफ का, सभी का अभिनंदन करूँगा, करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने अपना सहयोग किया है और बैंक आज 130 साल पूरा कर रहा है। इस एटीएम को भी आज हमने बड़े अच्छे दिन पर इनॉग्रेट किया है। ये एरिया जो है वहाँ पर काफ़ी दूर तक कोई भी एटीएम नहीं था। हमारे सर्वे में जब ये मालूम पड़ा तो हमने कहा नहीं, यहाँ की जनता के लिए, लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो एटीएम की सुविधा यहाँ उपलब्ध की। कितने एटीएम बनारस में सर आपके अभी? बनारस में हमारे पास कम से कम 76 एटीएम है। बहुत सी जगहों पर अभी एटीएम की जरूरत है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एटीएम की ज़रूरत तो हर जगह रहती है, लेकिन हम सर्वे करके देखते हैं कि आसपास के एरिया को जो कवर कर सके वैसे लोकेशन में। तो अकाउंट ओपनिंग वगैरह भी क्या ग्राहकों को यहाँ दी जाएगी? अकाउंट ओपनिंग की आजकल तो टैप बैंकिंग के साथ होती है, हमारी मार्केटिंग टीम हमेशा आते रहती है, इधर भी आएगी, यहाँ भी आज भी कैंप लगा होगा, तो कैंप लगा लगा के हम सारी जगह अकाउंट। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए यही है कि ए टी एम आपके सुविधा के लिए है, आप इसका इस्तेमाल करें। हर बैंक का कार्ड यहाँ चलता है और आपकी सुविधा के लिए है, इसका जितना ज़्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें खुशी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।